आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में कुरान और अहले बैत या गौसुल आज़म अल मुस्तफ़ा मोहम्मद साथ ही सूफ़ी मशायख काउंसिल की जानिब से शानदार और खूबसूरत जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न गौसुल बरा रहमतुल्लाह अलैहि प्रोग्राम्स बड़े ही अच्छे अंदाज में मुनक़िद किए गए। जी नाजरीन, 11 नवंबर 2023 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर बमुकाम टाउन हॉल सिटी मार्केट एनआर रोड बेंगलोर शहर में सूफ़ी मशायख काउंसिल की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जश्न गौसुल वरा निहायती अदब व एहतराम के साथ मनाया गया। इस बेहतरीन प्रोग्राम और जलसे का आगाज किराते कुरान, जिक्र इलाही और महफिल दुरूद के साथ किया गया। साथ ही बाद नमाज असर से शाम 8 बजे तक समा और कवाली का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खवाल सामाईन ने अपने बेहतरीन कलाम पेश किए। इस प्रोग्राम में औरतों के लिए बेहतरीन पर्दे का इंतज़ाम किया गया था। साथ ही बाद नमाज मगरिब ज़ियाफ़त आम का भी इंतज़ाम किया गया था। इस शानदार जलसे में बाद नमाज ईशा मौलाना हबीब अहमद अल हुसैनी साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में बयान किया। लिहाजा आखिर में ये बताते हुए चलें कि इस बेहतरीन जलसे और प्रोग्राम में आवाम ने कसीर तदाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारीन हासिल किया। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार जलसे की मजीद तफसीलात। Yeah.
ताला का ही फ़ज़्ल एहसान है कि आज हम अहलुल्लाह के नाम पर यहाँ पर जमा हैं। मैं चाहता हूँ जैसे कि हम तस्लीम में भी 20 सेकंड हम फलस्तीनियों के लिए जगह ना चेंज करें, सिर्फ अपनी जगह खड़े हो जाए, सभी हजरात अपनी जगह खड़े हो जाए, 30 सेकंड तक दुरूद शरीफ पढ़ते रहे और अल्लाह दिल में अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहे कि मौला रब्बे करीम फलस्तीन के हामी मददगार हो। अल्लाह फलस्तीनियों की मदद फरमा, अल्लाह शहीदों की शहादत को कबूल फरमा, अल्लाह मजलूमों को हिम्मत अता फरमा, कुव्वत अता फरमा, अल्लाह जालिम को सर निगो फरमा, अल्लाह जालिम को शिकस्त फरमा, अल्लाह जालिम का खातिमा फरमा, अल्लाह फलस्तीनी माओं और बहनों की दुआओं को कबूल फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनको उनका वतन अता फरमा दे, ऐ अल्लाह उनकी जमीन उनको अता फरमा दे। हम पुकारते हैं अल्लाह वास्ता मोहम्मद का और आले मोहम्मद का, मजलूमों की मदद फरमा, ऐ अल्लाह मजलूम इमाम हुसैन का वास्ता मजलूमों की मदद फरमा, मजलूमों की मदद फरमा, तमाम आलम इस्लाम में मजलूमों की मदद फरमा, मुसलमानों को सरबलंदी अता फरमा। अल-कादरी अल-जीलानी अल-कसनजानी काबिल मुबारकबाद है और तमाम हजरात जो उनका साथ दिए काबिल मुबारकबाद है कि ये अजीम शान इज्तिमा और जलसा उन्होंने मुनाकिद किया है और इतने बुजुर्गान दीन को यहाँ पर जमा करने में वो कामयाबी हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने वालों को और तमाम हाजरीन महफिल को खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके घरों में और कारोबार में और रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। ये जो मजमा है ये जमा होने की कुछ वजह है, ऐसे नहीं कि ये रैंडमली एक जलसा हो गया। देखिए हमारे महबूब साहब बार बार ये कह रहे थे कि हबीब साहब आप जो भी हो खुलकर हो, जो भी हो खुलकर हो, हालांकि बहुत रियायतें रखना पड़ता है खिताब में, स्पेशली जब खिताब आवामी हो, पब्लिक मीटिंग जब होती है तो बड़ी चीजों की रियायतें रखना पड़ता है, बड़ा लिहाज रखना पड़ता है। और आप लोग तो जानते ही अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का फ़ज़्ल और करम है कि न मेरा न ओवरऑल किसी सूफी का और खानकाह वालों का कभी लड़ने का और झगड़ने का और तोड़ने का मिजाज नहीं रहा। ये अल्लाह वालों की बारगाह है, यहाँ पर बात सिर्फ जोड़ने की होती है, तोड़ने की बात नहीं होती है, यहाँ पर कभी नफरत की बात नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ मोहब्बत की बात होती है, ये सब सिर्फ मोहब्बत की बात होती है। बहरहाल कुछ जरूरतें थी, कुछ बयान करना जरूरी है, एक पैगाम देना जरूरी है। ये मेरा जो खिताब होगा, ये मेरा खिताब जितना ये आली वालों के लिए होगा उतना ही उन अफराद के लिए होगा जो इनके मुखालिफ है, जो अहले बैत की मुखालिफत में सुबह शाम लगाते हैं, बड़े उनके अंदर आलिम है, मौलाना है, मुफ्ती है, हाफिज है, मुकर्रर है, वाइज है, पता नहीं क्या क्या है, वो जो हजरात है ये किताब उनके लिए भी है, ये किताब अली वालों के लिए भी है। और अली के नाम से जो आज जी उनकी बदनसीबी है कि अली के नाम से जो चिड़ रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, ये किताब उनके लिए भी है। और खुदा की इज्जत की कसम खाकर कह रहा हूं दोनों की भलाई और दोनों के मोहब्बत में है, हमारे पास नफरत किसी के लिए नहीं है। हम आपसे गुफ्तगू अली वाले जब बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से प्यार है ही, लेकिन जो मुखालिफ है हम उनके लिए भी प्यार का पैगाम ही देने वाले, हम कोई झगड़े वाले लोग नहीं है, हम झगड़े वाले लोग नहीं है, हम जोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। यही अता किया हमको पंचतन ने, आका रसूलुल्लाह ने फतह मक्का के बाद माफियों के जरिए यही अता फरमाया कि जहां तक हो सकता है जोड़ो जी। सरदार मौला अली ने, सरदार सैयदना इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने और तमाम औलियाउल्लाह ने यही बताया है कि जोड़ो। और याद रखो कि वहां से लेकर औलिया तक, आका रसूलुल्लाह से लेकर औलिया तक, इनमें कमजोर कोई नहीं था, कोई कमजोर नहीं था, ये सब बालादस्त थे, ये सब ताकतवर है, ये सब
प्यार की बात याद रखिए, ताकतवर ही प्यार की बात करता है और हम आज प्यार की बात करने आए हैं, लेकिन कुछ पैगाम देना जरूरी है। आप ये बात समझ लीजिए कि हम सब अली वाले हैं ना, अली वाले जो अली वाला है जरा एक मतलब हाथ बता दे। माशाल्लाह, ये सब अली वाले, ये अली वाले जी। अली की राह में चलना चाहते हैं, अली से मोहब्बत करना चाहते हैं, उन्हीं की गुलामी में हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये बात आप समझते हैं कि मैं जब खड़ा हूं यहां पर तो मैं तो कोई, जैसा कि आप मुझे जानते ही होंगे कि मैं सिर्फ जज्बाती गुफ्तगू करने वाला तो आदमी हूं नहीं, सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर कुछ कह दो, नहीं नहीं, मैं जो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह दलील के साथ कहता हूं। हजारहा किताबात मेरे मौजूद है, आज उसमें मजीद में इजाफा कर रहा हूं, जितने दलाइल की जरूरत पड़ी हमारे पास है, लेकिन आज दलाइल अगर पेश करेंगे तो वक्त साथ नहीं देगा। ये बात हम अपने आप में भी यकीन से कहते हैं और वो जो बाकी हजरात सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हम कौन है, हम उनको वाज़ह अल्फाज़ में बता देते हैं कि हम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तमाम अंबिया में सबसे अफजल मानते हैं और तमाम उम्मतों के अंदर मौला अली को सबसे अफजल मानते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम को हम सबसे अफजल मानते हैं। अगर कोई पूछता है कि किस लिहाज से, तो हमारा साफ जवाब है, अब मैं डिटेल में नहीं जाता, हमारा साफ जवाब है, सबसे पहले मोमिन मौला अली, सबसे पहले नमाजी मौला अली, सबसे ज्यादा बहादुर मौला अली, सबसे ज्यादा इल्म वाले मौला अली, सबसे ज्यादा हिकमत वाले मौला अली, सबसे ज्यादा सखावत वाले मौला अली, सबसे ज्यादा सब्र वाले मौला अली, अरे सबसे ज्यादा हिदायत देने वाले मौला अली। हम मौला अली को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम मौला अली को हर लिहाज से अफजल मानते हैं। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं, ये तो हमारा अकीदा है, सभी का है ना, हम सबका यही अकीदा है, यहां आने वालों का सब ये है, मगर मैं ये दोहरा रहा हूं अपने सबक दोहराने के लिए और उनको पैगाम देने के लिए कि यही है हमारा अकीदा, यही है हमारा अकीदा। और ये अकीदा रखते हुए ये बात हम वादा कर देते हैं कि हकीकत में अहलुस सुन्नत वल जमाअत हम ही है, हम ही है अहले सुन्नत वल जमाअत। लोग समझते हैं कि अली का नाम लेते राफजियत हो जाती है, अली का नाम लेते ही सहाबा की क्या कहते हैं गुस्ताखी हो गई, सहाबा की मुखालिफत हो गई। मैं कुछ चीजें बड़ी क्या कहते हैं साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट जिसको कहते हैं मैं वाज़ह कर देता हूं, हम अहले सुन्ना वल जमाअ है और तमाम मशायख और सूफिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदी और तमाम सलासिल हम अल्लाह के फजल करम से आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम की तआज़ीम और तकरीम करते हैं, हम सहाबे किराम के अदब वाले हैं, हम अहलुस सुन्ना है, अहलुस सुन्ना मुहम्मदिया है, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानने वाले हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक जगह जमा करने के लिए अल जमाअ, जमाअत जोड़ने का होता है और तफरीका फिरका तोड़ने का नाम होता है। हम फिरके वारियत को नहीं मानते हैं, हम फिरके वारियत को नहीं मानते, हम अल जमाअ है, हम उम्मत को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि उठाए वो फिरके का नाम लिए उसे जहन्नम में भेज दिए, उठाए वो मदरसे का नाम लिए उसे जहन्नम में भेज दिए, कह दिए वो गुमराह वो दोज़खी वो फला, कोई खानकाह से आपको ये बोली नहीं मिलेगी, ये बोली कि फला जहन्नमी है, फला गुमराह है, फला काफिर हो गया, तौबा कराओ फिर से निकाह कराओ, ये लड़ाई झगड़े और नफरतों की जो बोली है, उम्मतों को बांटने की जो बोली है, ये खानकाहों से आपको ये आवाज नहीं आएगी। हम सिर्फ और सिर्फ जोड़ने वाले हैं और अल जमाअ जमा करने वालों को ही कहा जाता है, अल जमाअ जो उम्मत मोहम्मद एक प्लेटफॉर्म पर अनडिवाइडेड देखना चाहते हैं, अनडिवाइडेड देखना चाहते हैं, वो कौन है, वो सूफिया-ए-किराम है, वो मशायख
वाले तबके का नाम सूफी और मशायर है। ये बात याद रखिए, क्लियर तौर पर मैं बताना चाहता हूं, आज अहले सुन्ना के टाइटल पर कोई कब्जा करना चाहता है, कभी देवबंदी कब्जा करना चाहते हैं, कभी हमारे बरेली हजरात क्या कहते हैं अहले सुन्नत के टाइटल पर कब्जा करना चाहते हैं, उनसे आप पूछे वो कहेंगे हम अहले सुन्नत है, उनसे कहे आप, उनसे पूछे आप, वो कहते हैं अपने आप को अहले सुन्नत, फला अहले सुन्नत, फला अहले सुन्नत। याद रखो लोगों, कभी उम्मत बढ़ती है शिया सुन्नी के दरमियान, ये बड़ी अहमियत वाली बात बता रहा हूं और इसको मैं आगे चलकर कुरान की रूह से भी बताऊंगा, कभी उम्मत मुस्लिमा सब के सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी शिया सुन्नी के नाम पर पढ़ रहे, कभी सुन्नी वहाबी के नाम पर पढ़ रहे हैं, कभी क्या कहते हैं बरेलवी जोबंदी के नाम पर पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर सूफियाए किराम ना होते ना आज जमीन पर कई कई इस्लाम के नाम पर कई कई मजहब और कई कई रिलीजन बने हुए होते। ये अल्लाह वालों की करम फरमाई है कि लाख नफरतों के बावजूद वो एंड को भी छोड़े रखे हैं, ये एंड को भी छोड़े रखे हैं। अगर आज एक दूसरे को लोग मुसलमान समझते हैं तो ये करम है सिर्फ और सिर्फ खानकाहों का और अल्लाह वालों का, इन्होंने जोड़ने का काम किया, इन्होंने जोड़ने का काम किया है। कोई इल्म महज की तरफ चला गया है, कोई सिर्फ कल्बी कैफियत की तरफ चला गया है। ईमान का पहला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के तीन हिस्से बताए, एक इस्लाम बताए, एक ईमान बताए, एक एहसान बताए। जी इस्लाम में क्या है, जाहिर गवाही देना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही देना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर क्या है, नमाज कायम करना, रोजा रखना, जकात देना, हज करना, इस्लाम के पांच अरकान, पांच के पांच अरकान जाहिर है नजर आने वाले। ला इलाहा इल्लल्लाह मानना नहीं है पहला रुकन, याद रखो, याद रखो ये बात, इस्लाम के पांच अरकान में ला इलाहा इल्लल्लाह मानना ये नहीं है शर्त, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना इनफ है, इनफ है। अगर कोई आदमी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दे उससे नहीं पूछा जाएगा कि दिल में ईमान है या नहीं है, क्योंकि इस्लाम जाहिर का नाम है, इस्लाम जाहिर का नाम है, नमाज नजर आती है, रोजा नजर आता है, ज़कात नजर आती है, हज नजर आता है, ये जाहिर इस्लाम है। फिर इसकी डिटेल है, वुजू करना, नमाज पढ़ना, निकाह है, तलाक है, खरीद है, फरोख है, कुतुब फिका उठा कर देख लो, दारुल उलूम मदरसा दारुल इफ्ता में जाकर किताबें देख लो, जाहिर 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 सारा, और ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये जाहिर आका रसूलुल्लाह का दिया हुआ सरमाया है। और फिर दूसरे हिस्से पे आइए, ईमान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इस्लाम बताया जिसके पांच अरकान है, उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान बताया है, الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه, ईमान क्या है कि अल्लाह को माने, अल्लाह को मानता हूं बोले का सही नहीं है, ईमान की शर्त में कोई इजहार करना शामिल ही नहीं है, कोई जबान से बोले न बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, टोपी पहने न पहने फर्क नहीं पड़ता, अगर मन के अंदर अल्लाह को मान लिया, रसूलों को मान लिया, फरिश्तों को मान लिया, किताबों को मान लिया, आखिरत को मान लिया, तकदीर को मान लिया, मरने के बाद उठाए जाने को मान लिया, वो मोमिन है। सबके सब सिर्फ मानना, मानना और मानना, बोलना, जाहिर करना, हिलना, खर्च करना, आना जब कुछ नहीं, इस्लाम पूरा का पूरा जाहिर है, ईमान पूरा का पूरा बातिन है। हर जमाने में याद रखो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आज तक हर जमाने में, हर जमाने में ऐसे तबके उठे हैं जो सिर्फ जाहिर पर काम करते रहे और ऐसे तबके उठे हैं जो सिर्फ बातिन पे काम करते रहे। एक तबका है जो बातिन पर फोकस करता रहा, दिलों में तज़किया हो, दिलों में नरमी हो, शख्सियत साजी हो, और दूसरा तबका है जो हाथ यहां बांधना, हाथ वहां बांधना, पहचान कहां तक रहना, दाढ़ी कितनी रहना, चलना कैसा, उठना कैसा। एक तबका जाहिर पर खिदमत करता रहा, एक तबका बातिन में खिदमत करता रहा। जो बातिन पर खिदमत करने वाला तबका जब जाहिर को छोड़ा, वो बातिन को पकड़ते हुए भी गुमराह हो गया, और जो जाहिर पर जी फाला फाला फालू और किताब सुन्नत के जाहिरी तफासीर और अहादीस पढ़ने वाला तबका जब सिर्फ जाहिरी इल्म हासिल करता रहा और बातिन
बातिन की तज़किया और अपने दिल के ईमान की इसलाह की तरफ तवज्जो न किया तो वो ज़ाहिर वाला तबका पूरा कुरान और हदीस पढ़ते हुए भी गुमराह हो गया, गुमराह हो गया। ये दोनों तबकों को एक मकाम पर जोड़ने वाला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी कैटेगरी बयान फरमाई, अल इस्लाम पांच अरकान बयान फरमाए, अल ईमान छह के सात अरकान बयान फरमाए, उसके बाद अल इहसान, अल इहसान अन तअबुद अल्लाह कअन्नक तराह फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराह। एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर, अल्लाह की इबादत कर ये जाहिर है, ऐसे कर गोया कि तू उसे देख रहा है ये कैफियत है, ये बातिन है। रुको ही कर रहा है कैफियत के साथ कर रहा है, सजदा कर रहा है कैफियत के साथ। एक है सजदा जाहिर, दूसरी है कैफियत बातिन। ये जाहिर और बातिन जमा करने वाले अल एहसान ग्रुप का नाम है मशायख और सूफियाए किराम, इन्हीं को कहते हैं औलियाउल्लाह। ये जाहिरी उलमा को और बातनी लोगों को, दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके उम्मत को कभी भी इन्होंने डिवाइड होने नहीं दिया। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं लोगों, ये बातें आप लोग गश कर ले जी, बहुत यानी बातें बहुत ज्यादा उबल रही है, मैं कंट्रोल करके बातें आपके सामने रख रहा हूं कि क्या रखा जाए और क्या ना रखा जाए। एक बड़ी अहम बात बताता हूं कि इंसान के अंदर एक रूह है और एक जिस्म है। इंसान किससे बनता है साहब? रूह से और जिस्म से, बराबर ना? अगर जिस्म के अंदर से रूह चले गई तो वो इंसान कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बॉडी, लाश, बराबर है ना? हालांकि सर है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन क्या कहते हैं? खालिद भाई बड़े अच्छे थे चले गए, अब्दुल्ला भाई बड़े अच्छे थे चले गए। अरे कहां चले गए? यही तो पढ़े हुए हैं, छह फीट का आदमी पूरा पड़ा हुआ नहीं, चले गए। फिर ये क्या है? बोले ये उनका जाहिर था, वो उनकी हकीकत थी। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये खिताब उन लोगों के लिए भी है। मेरी गुजारिश है बरेलवी लोग से, देवबंदी हजरात से, सभी हजरात से कि ये मेरी गुफ्तगू जरूर सुने। एक जाहिर है, एक बातिन है, याद रखे कि बातिन हकीकत है, रूह पहले से है, जिस्म बाद में बनाया गया, उसमें रूह फूकी गई, फिर जिस्म बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर जिस्म फना हुआ, रूह फना हुई नहीं, रूह चले गई, रूह निकाल ली गई, रूह फना नहीं की गई। क्यों? रूह हकीकत है, रूह हकीकत है। ये अहलुल्लाह जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये खानकाहों में जो जर लगाते बैठते हैं, ये अल्लाह की जर लगाने वाले, ये अल्लाह के नामों का विर्द कराने वाले, ये क्या कर रहे हैं? ये रूह को डेवलप कर रहे हैं, ये रूह को डेवलप कर रहे हैं, ये रूह को पाक कर रहे हैं, ये कल्ब को पाक कर रहे हैं, ये अंदर से आदमी को सुधार रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन फिल जसद लमुद्गतन इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल कल्ब। बुखारी शरीफ में आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों आगाह हो जाओ, बेशक तुम्हारे जिस्मों के अंदर बीच में टुकड़ा है, अगर वो सुधर जाए पूरा इंसान सुधर जाए, और वो अगर बिगड़ जाए पूरा इंसान बिगड़ जाए। आगाह हो जाओ, वो इंसान का दिल है, वो इंसान का दिल है। अगर किसी इंसान का दिल अच्छा नहीं है तो वो डॉक्टर बनेगा, झूठ मूठ के पेशेंट को केसेस सुनाकर लूट लेगा, इंजीनियर बनेगा तो भी लूट लेगा, वो लॉयर बनेगा तो भी लूट लेगा, झूठ बोलेगा, फसाद मचाएगा, देख रहे आए दिन केसेस होते रहते। इसी तरह से अगर दिल सुधरा नहीं, इल्लल्लाह की जर नहीं लगी, किसी वलीउल्लाह की सरपरस्ती हासिल नहीं हुई, वो दिल नहीं सुधरा, तो फिर कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ के फसाद करेगा, हदीस पढ़ेगा, हदीस पढ़ के फसाद करेगा, फिका पढ़ेगा, फिका पढ़ के फसाद करेगा। लोगों ये हो रहा है, आज बड़े बड़े दीनी मदारिस और जामिआत के अंदर क्या जिक्र करने का कोई इंतजाम है? क्या रातों को उठकर रोने का कोई इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं है दिलों को नर्म करने का, कोई इंतजाम नहीं है अल्लाह से जोड़ने का, सिर्फ उनको अरबी रटा दी जाती है, कुरान और हदीस रटा दे जाते हैं। ये गंदे दिलों के साथ जब वो कुरान और हदीस लेकर निकलता है, तो जिस तरह से एक एमबीबीएस डॉक्टर गंदे दिल के साथ निकलता है, तो अपनी डॉक्टरी को लोगों को लूटने और झूठ बोलने में इस्तेमाल कर
इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग को गलत इस्तेमाल करता है, लॉयर 6 महीने की केस को 20 साल का बनाता है अपनी इनकम के लिए, इसी तरह से फिर मुल्ला जब मुल्ला निकलता है लोग देखते हैं कि दाढ़ी है, शमला है, बड़ा नेक है, बड़ा नमाज पढ़ता, आइन भी अच्छा बोलता है और खा भी बड़ा अच्छा बोलता है, बोलता बड़ा अच्छा है, जिस मस्जिद में ठहरा फसाद, जिस महल्ले में पहुंचा फसाद, आदि आदि उम्मत को उठाकर तू जहन्नमी, तू गुमराह, तू गुस्ताख, तू फला, तू फला, क्या हो गया है ये? अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाज़िल होता, सरकार कुरान लाते, टूटे हुए दिलों को जोड़ते, कमजोर से कमजोर लोगों के मददगार होते, गुनहगार से गुनहगार बंदों के सरों पर शफ़क़त के हाथ रखते। अरे मुसलमान तो मुसलमान है, हमारे सरकार रातों को उठकर हाथ उठाकर मुशरिकीन और कुफार के लिए दुआएं करते थे, अरे अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा दे, अरे अल्लाह इनको जन्नत नसीब फरमा दे। साहिबे कुरान मुस्लिम तो मुस्लिम, गुनहगार तो गुनहगार, मुशरिकों के लिए भी दुआ करते हैं, ये कौन से कुरान वाले आ गए जो ठहरने ही उसको काफिर और इसको काफिर कह रहे? बात क्या है कि कुरान दूसरा है, हदीस बदल गई? नहीं नहीं, हदीस शरीफ वही है, कुरान वही है, दिल सुधरा नहीं है, दिल गंदा है। औलिया अल्लाह सरकार गरीब नवाज निरान पीर अल्लाह सुलातम रजी अल्लाह मान सरकार बंदा नवाज सरकार कुमैश आजम निजामुद्दीन औलिया साहब पिया वारिस पाक ये सारे बुजुर्गों ने वो मिशन पर काम किया है जो आका रसूलुल्लाह का मिशन है। उन्होंने दिलों को पाक किया। जब दिल पाक होके बंदा निकलता है, छोटा काम करे या बड़ा काम करे, अनएजुकेटेड वर्क करे या एजुकेटेड वर्क करे, पढ़ा लिखा बनकर आलिम बनेगा। ये अगर कोई आलिम बनकर, अगर मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, मिसाल के तौर पर, कितने उलमा को आप देखे होंगे जो ठहरे उनको काफिर, उन्हों गुस्ताख, उन्हों जहन्नमी, सुने नहीं सुने ऐसे लोगों को, कभी फिरके का नाम लेकर, कभी अपराध का नाम लेकर, जब बात करो तोड़ने की, तोड़ने की, तोड़ने की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, और भी औलियाउल्लाह ऐसे मौजूद है, जब किसी वलीउल्लाह के हाथ पर तरबियत पाकर कोई बंदा खड़ा होता है, तो एक मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने उम्मत को ताहिरुल कादिर अता किया। आप जानते ना ताहिरुल कादिरी, शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादिरी, मिसाल के तौर पर, क्योंकि सब लोग नाम जानते इसीलिए वो नाम लिया, शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादिरी। आप बताइए क्या इल्म में कोई उनका हमबल्ला है? कोई तालीमात में किताबें लिखने में उनका कोई हमबल्ला है? अरबी में और उर्दू में और फारसी में उतना लिखने वाला कोई है? इल्म कुरान में, इल्म हदीस में, फिक्र में, तसव्वुफ में, जिस समाजियात में, हर मैदान के अंदर जितना उन्होंने लिखा है किसी ने लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, हजारों किताबात और हजारों किताबों में कभी किसी जमात या कभी किसी आदमी को नफरत के अल्फाज उन्होंने लिखा है? चैलेंज है, कोई बता दो उसको, वजह क्या है? नहीं बता सकते। तो ताहिरुल कादिरी जिस वक्त कुरान पढ़ रहे थे, जिस वक्त हदीस पढ़ रहे थे, ताहिरुल कादिरी जिस वक्त उलूम जदीद और उलूम कदीम तीनों उलूम और असली उलूम पढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों में पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन के नावे कुतुबुल औलिया शहजादे गौसुल आजम के सामने बैठकर इल्लल्लाह 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 की जर्ब लगा रहे थे। वो जर्ब ने उनके दिल को इतना पाक किया है कि आज सबसे बड़े आदमी बनने के बावजूद वो अपने छोटों से भी गाली सुनकर भी कभी बैठाकर नफरत का जुमला नहीं बोलते हैं। अगर कोई चाहता है कि आलिम बने, और वो बने जो मुस्लिम हो, वो बने जो उम्मत को जोड़ने का काम करे, वो बने जो उम्मत को जिंदा करने वाला बने, तो पहले इल्म शुरू करने, हासिल करना शुरू करने से पहले अल्लाह वालों के दर पर खड़ा होना सीखो, अल्लाह वालों के हाथ पर तरबियत, उनसे जुड़ना सीखो। किसी ना किसी वलीउल्लाह का हाथ अगर तेरे सर पर हो, किसी ना किसी वलीउल्लाह का दामन अगर तेरे हाथ में हो, तो दुनिया में जो बनेगा इंसानियत को फायदा पहुंचाएगा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे।
खान साहे हादरिया, खान साहे चिश्तिया, खान साहे नक्शबंदिया, खान साहे सहरवतिया, खान साहे अबुल उलाइया, खान साहे वासिया, जितने भी हमारे बेंगलुरु के मशाइख इकराम ने सारों ने और खान साहे अलवासिलिया उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला हमारी कोई भूल हो गई है तो आप बजट रिफाक के सदे में हमें माफ करें। इंशाल्लाह आइंदा बेहतरीन से बेहतरीन और इंशाल्लाह और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार सारों ने बहुत कम वक्त में किया है। आपकी इज्जत अफजाई में कोई कमी पेशी हो गई रही तो माफ करें। और हमारे अमायदीन शहर में अल्लाह बख्श शामिली साहब और जितने भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत सूफी मूवमेंट और इस्लामिक सूफी बोर्ड और शफी जवाब साहब की और टीपू सुल्तान कमेटी और हमारे जितने भी कमिटीज हैं इंशाल्लाह बेंगलुरु के सारों ने साथ दिया है। ये नहीं कि सूफियों के साथ सूफियों मशायखों के साथ, सारे इदारे बेंगलुरु के जितने भी इदारे हैं अहले सुन्नत के सारे इदारे हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हम अहले सुन्नत हैं। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिबी नबी मानते हैं, मौला अली मुश्तुकुशा को अफजलियत का मानते हैं, सहाबा की इज्जत और एहतराम करते हैं और बुजुर्गान दीन के वसीले वाले हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को हमारे इस कादरी चमन को, चिश्ती चमन को, नक्शबंदी चमन को अल्लाह ताला यूं हरा भरा रखे। इंशाल्लाह आइंदा महफिल मौला कायनात की होगी, इंशाल्लाह उससे पहले बैठ कर सारे मशायख इकराम और हमायदीन शहर बैठ कर उनके मुताबिक इंशाल्लाह तय करें। हम गुलाम हाजिर हैं ये सब करने के लिए। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 नवंबर 2023 को जो है सूफ़ी और मशायख कौंसिल की जानिब से आज जो है आलीशान पैमाने पर जो है तमाम सूफ़ी और मशायख मिलकर जो है जश्न मीलादुन्नबी और फैज़ान गौसे पाक मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा जो है एक प्लेटफॉर्म पर अक्सर जो है अपने अपने खानखाहों में अक्सर जो है अपने अपने जो है दरबारों में जो है ये प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन पहली मर्तबा जो है पूरे तमाम सूफी और मशायख बिलखसूस बेंगलोर के मिलकर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक आलीशान पैमाने पर जो है ये जलसा मुनक़िद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब भी रहा और जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पूरा जी आज जो है बहुत वक्त में आज जो है बहुत सख्त ज़रूरत है हर खानकाहों को आगे बढ़कर जो है इस तरीके से जो है अहले बैत और जो है सरकार के तालीमात को आम करना है हर खानकाह के मैं चाहता हूँ कि ब्रांचेस भी हो हर खानकाह हर गांव में हर शहर में उनके ब्रांचेस हो और ख़ास तौर पर जो है तालीमातें जो है औलिया अल्लाह अहले बैत के तालीमात और सरकार दौलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम हो ताकि जो है जो आजकल नौजवान जो है आप लोगों को मालूम है नौजवान का हाल क्या है आजकल, तो हर गांव में हर शहर में जो है एक एक खानकाह जो है ज़िम्मेदारी उठाए और जो है इस्लाह का काम करे और इसी वजह से जो अहले बैत के तालीमात से और जो सरकार के सुन्नत के तालीमात से दूर रहने की वजह से आज हम लोग जो तकलीफ़ उठा रहे हैं जो परेशानी उठा रहे हैं हर गांव में हमारी जो है परेशानी तकलीफ़ है तो और बिलखसूस हमारे नौजवान जो है तालीमात के दूर रहने की वजह से आज नशे की हालत में आज जो है बुरे जो है अख्लाक बुरे औसाफ़ बुरे किरदार बुरा हुस्न सुलूक बच्चे माँ बाप से बुरा हुस्न सुलूक और अखलाक बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो मैं जो है सब तमाम मेरे साथ में जो भी मशायख हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु के जो भी मशायख जमे हैं इसी बात पर बात भी हुई कि हर गांव में एक एक खानकाह हो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक हर तालुक में एक एक खानकाह हो पूरे मिलकर करेंगे बोल के बात हुई है। इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या होने वाला है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा मैं समझता हूँ बहुत ज़माने के बाद जो है पहली मरतबा एक साथ पूरे मशायख एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं और इंशाल्लाह कामयाब बहुत कामयाब जलसा रहा। इंशाल्लाह जनवरी में फिर पूरे मिलकर जो है विलादत मौला अली करने का इरादा है जनवरी में इंशाल्लाह। क्या है खानकाहों में जो है प्यार मोहब्बत की बातें सिखाई जाती हैं अच्छे अखलाक अच्छे औसाफ़ अच्छे किरदार जो हमारे सरकार के सुन्नत है हमें अपने अखलाक से गैर मज़हब को पहुंचाना चाहिए अपने औसाफ़ से
इस्लाम को पहुंचाना चाहिए, अपने किरदार से इस्लाम पहुंचाना चाहिए हर एक में। इसी की कमी की वजह से जो है आज हम सब जगह जो है बदनाम हुए फिर रहे हैं। मैं खानखाया खादरियाल जीलानिया से खलीफा गुलाम मोहम्मद खादरियाल जीलानी और सूफ़ी मशायख बोर्ड का एक खादिम हूँ। सारे मशायख इकराम, सूफिया इकराम का एक खादिम हूँ, गुलाम हूँ। ये ऐसी महफिलों तो पहले से भी चले, 40 साल से कबल हम जब से देख रहे हैं कि खानखाओं में, अलग अलग खानखाओं में, उनके खानखाओं में चल रही थी, जो अहले बैत के मुताबिक 12 इमामों, 14 मासूमीन, असहाब रसूलुल्लाह, अजवाज रसूलुल्लाह, शहादतें, विलादतें अपनी अपनी खानखाओं में अपनी मुरीदों को लेकर कर रहे थे। मगर इस दफ़ा सारे मशायख इकराम सारे खानखाओं से जुड़कर एक जगह सारे, उन्होंने दामे दर में सुखने उस उन्होंने आकर अपनी मेज़बानी बताई कि ये नहीं कि लोग जो अमाइदीन है या बड़े लोग हैं वही करते हैं, मगर आज पहली बार सारे सूफ़ी मशायख इकराम ने ये दिखाया कि ये लोग भी ये लायक हैं, और अल्लाह ताला ने, गौसे पाक ने उनको इतना करम किया है कि ये लोग इनसे बेहतर महफिलें कर कर दिखाएँगे। इंशाल्लाह आइंदा भी अगर साथ रहा सारे अमाइदीन शहर का, सारे मुरीदों का, इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन जो असली अहले सुन्नत है, जो असली अहले सुन्नत है जिसे नाज़बियत से पाक है, खारजियत से पाक है, उस सब पाक पाकिज़ा जो गौसे आज़म ने, ख्वाजा गरीबुल नवाज़ ने जो इस्लाम में, जो इस हिंदुस्तान में इस्लाम लाया, और वो इस्लाम दिखाने की कोशिश करेंगे, उस पर चलने की तो कोशिश करेंगे, और सारों को इत्तेहाद कर, इत्तेफाक कर, सारे सलासिल को इंशाल्लाह हम लोग जोड़ कर, सारे अमाइदीन जोड़ कर, यह एक सारे मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ा हम लोग एक दिखाना चाहते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, हम मुसलमान हैं, हम सब एक हैं, और हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं, और हम सब अहले बैत को मानने वाले हैं। तो आइंदा प्रोग्राम क्या होगा? इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम सरकार रजब के महीने में इंशाल्लाह मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत होगी। वो एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत की है, लोगों ने भुला दिया है नासबियत और खारजियत में जाकर। इंशाल्लाह सारे मशायख इकराम मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम 13 रजब का इंशाल्लाह तय कर कर, कौन सी भी जगह, इस जगह हो या कहीं जगह, इसे बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से बेंगलोर शहर के तमाम सादात व मशाइखीन और सूफ़ी इकराम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इत्तेहाद और इत्तेफाक के और अमन के पैगाम को बढ़ाने के लिए और मुसलमानों के अंदर जो इंतशार फैलाया जा रहा है चंद उलमा इकराम की वजह से जो इंतशार फैलाया जा रहा है उसको रोकने के लिए मोहब्बत का पैगाम देते हुए सूफ़ी व मशाइखीन काउंसिल की जानिब से जो ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया, इसके अंदर हमारे जानिसारान पंजतन सुन्नी तंजीम के सदर साहब भी पेश रहे, और टाइगर टिप्पू और डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर साहब भी हमारे साथ में जुड़े रहे, और साथ साथ सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के हर प्रोग्राम में हमारे पंजतन को मानने वाले पंजतनी भाई हर तरीके से साथ देते आ रहे हैं। और हुकूमत को मैं सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के ज़रिए से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सूफिया इकराम अपने तरफ से जो भी काम करते हैं प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ करते हैं, और हम चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से भी सूफीज़म को आगे बढ़ाने के लिए और सूफीज़म को और प्रमोट करने के लिए हुकूमत की तरफ से भी कुछ इकदाम उठाए जाएं, और हुकूमत की तरफ से हम लोगों को एक पैगाम हम ये भी देना चाहते हैं कि मुसलमानों के जितने भी प्रॉब्लम्स या इशूज़ होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल हो, तो इसके लिए सूफीज़म के जो कायदीन हजरात हैं उन कायदीन हजरात को मुकम्मल तरीके से दरकिनार किया जाता है। तो गुजारिश करता हूँ कि रियासती हुकूमत या फिर मुल्की सतह पर काम करने वाली हुकूमत की जो तंजीमें हैं तमाम से कि सूफीज़म के मानने वालों को साथ दें और सूफीज़म के मानने वालों को एक मजबूत बनाएं, ताकि हमारा हमेशा से जो पैगाम है वो अमन और इत्तेहाद का पैगाम है। लोग हमें गाली भी देते हैं, फतवे भी लगाते हैं, मगर उसके जवाब में हम गाली और फतवों से काम नहीं लेते, बल्कि हम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इश्क अहले बैत और इश्क पंजतन को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से भी, सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के ज़रिए से भी हम लोग यही पैगाम देंगे कि तमाम मुसलमान एक नेक और इत्तेहाद के साथ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क के साथ पंजतन पाक के इश्क को, अहले बैत के इश्क को आम करें।